भाई पाकिस्तान में जो मेरा फेवरेट सिंगर है ना उसका नाम है आतिफ असलम, जिनको कि मैंने फर्स्ट टाइम 2009 में सुना था जब मेरी उम्र 13 साल होती थी। अभी आतिफ भाई कैमरा में आने के लिए इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वो मेरे व्लॉग में आप सबको गाना जरूर सुनाए। जी आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। चेक करो भाई, रूम चेक करो। आज तक इस तरह का रूम मैंने नहीं देखा भाई, और ना ही रहा हूँ इस तरह के रूम में। अल्लाह अकबर, सामने बीच है जी। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, क्या हाल चाल है? आपका एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करता हूँ। इस वक्त की टाइम हो रहा है 12:40 और सुबह के 4:30 पर अपनी फ्लाइट है। तो अभी बस हम लोग रेडी शेडी हो चुके हैं, सामान वगैरह पैक हो चुका है, सामान को रखेंगे गाड़ियों में, और हमारे सल्लू भाई भी आए हैं हमें ड्रॉप करने के लिए। आए हाय, एजल भी रेडी घूम रही है, और आज सारी रात एजल ने भी नहीं सोना और ना हम लोगों ने सोना, क्योंकि अपनी है ट्रैवलिंग। क्या करूं, वीडियो बनाए। अच्छा बनाता हूं मैं वीडियो, बनाता हूं। दो गाड़ियां हमारी जाएंगी, क्योंकि एक गाड़ी में साजो सामान अपना पूरा नहीं आना। अब एक गाड़ी में ये बड़े वाला इब्रार का बैग और हमारा ये छोटे वाला बैग आ चुका है, और बाकी रह गया है ये स्टॉलर और साथ में हमारे 2-3 बैग्स। बाकी का सामान मैंने अपनी वाली ये लाल परी में रख दिया है। दो बड़े बैग्स थे और एक ये छोटा बैग था इब्रार का, और अब बस रह गया है स्टॉलर रखने वाला। शोर शराबा नहीं करो, ये आपका स्टॉलर रखेंगे, टेंशन ना लो, मैं जगह बना रहा हूँ गाड़ी में। अब इस गाड़ी की बैक सीट पर रखूंगा या फिर इसको इस गाड़ी की बैक सीट पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक गाड़ी वो है जो कि इब्रार साहब चलाएंगे, और दूसरी गाड़ी ये अपनी लाल परी है जो कि मैं चलाऊंगा, और वापसी पर एक गाड़ी सलमान साहब वापस ले आएंगे और दूसरी गाड़ी हमारे सादिक भाई वापस ले आएंगे, और हमें छोड़ने जा रहे हैं जारा, आयशा, आपा, माजी, और साथ में उधर मेरे साला साहब और सलमान साहब और सादिक साहब। टोटल 7 बंदे हमें छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन टोटल 10 बंदे हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। कितना खुश हो रही है, बाय बाय। यार हम सब में से ना सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ और सिर्फ एजल को होती है ट्रिप की। बाय 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 बाय। बहुत जल्दी से जल्दी कितनी देर में बना दोगे? 10 मिनट। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। मेरी फ्लाइट है, मैंने भाई से रिक्वेस्ट की कि यार जल्दी जरा बना दोगे क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं, तो भाई ने कहा मैं 10 मिनट में आपके पिज्जे रेडी करवा देता। सबको लग रही थी बहुत ज्यादा भूख, तो अभी फिर हम लोग एयरपोर्ट जाने से पहले रुक गए हैं कुछ हल्का फुल्का सा खाने पीने के लिए। अभी मैं फूड मार्केट में आया हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पिज्जा मुझे अवेलेबल मिल रहा है। क्या सीन है? लो पिज्जा ले ले, एक इस गाड़ी के लिए कर लेता हूँ, एक दूसरी गाड़ी के लिए। ओके ओके, नहीं नहीं दो ले, मैं अकेली ने खाना ना। तुमने अकेली ने एक पिज्जा खाना है? तू मत जा, सेहत पे लग नहीं रहा। हाँ सही बात है। वाह भाई वाह, वाह भाई। भाई बन गए हैं पिज्जे, तो दे दे। लेट हो गए हैं यार बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। चलो एक पिज्जा तुम लोग पकड़ो, नहीं अलग अलग, ये लो। चलो आज सबसे ज्यादा खुश एजल है, सबसे ज्यादा खुश। अंदर भी डांस कर रही थी माशाल्लाह। तुम्हारा पिज्जा यही है, इसी में से खाओ। नहीं नहीं मुझको, खाओ खाओ खाओ, पीछे हो एजल, पीछे हो। बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, अभी पिज्जा ना रास्ते में चलते चलते ही खाते हैं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है कि फ्लाइट से 2.5 घंटे पहले ही हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब वक्त आ चुका है आप सबको बाय बाय टाटा करने का। अल्लाह हाफिज आपा, अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जारा, अल्लाह हाफिज साला साहब, अल्लाह हाफिज सलमान साहब, बाय बाय, टेक केयर। ओए इधर आ यार तू, आजा आजा। ओके सादिक, ओके माजी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखे। बोर्डिंग पास हासिल करने के बाद और इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करवाने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं लाउंज में बैठने के लिए, बिकॉज अभी हमारी फ्लाइट को उड़ने में तकरीबन कोई 1.5 घंटा बाकी है। लाउंज में अगर हम लोग बैठ चुके हैं, और इस वक्त मुझे बहुत ही घटिया किस्म की चाय सर्व की गई है, जो कि आधा कप भी मैंने बहुत मुश्किल से किया है, और ये मेरी बीवी ने कप सारा, आई डोंट नो कि इसने किस तरह से ये पी लिया है, और इसको हजम कैसे होगा। अगे तू कह रहा था उन्होंने तो अच्छा चाय बड़ी वधी है, मैंने तो नहीं उनको कहा भाई, या मैं आप सुने तो क्या, तूने कहा ऐसी चाय तो मैंने आज तक नहीं पी जो आपने बना दी। चल झूठा ड्रामे बात, ऐसी चाय तो मैंने आज तक नहीं पी, ऐसी चाय। अब बस इंशाल्लाह अपनी फ्लाइट में
पूरा एक घंटा बच गया। एक घंटे के बाद हम लोग जाकर बैठ जाएंगे फ्लाइट। मेरी रील बना लो मेरे साथ। तुम लोग नहीं चाहते मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँ? तुम ऑलरेडी हो, हमारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई पाकिस्तान में जो मेरा फेवरेट सिंगर है ना, उसका नाम है आतिफ असलम, जिनको कि मैंने फर्स्ट टाइम 2009 में सुना था जब मेरी उम्र 13 साल होती थी। अभी आतिफ भाई कैमरा में आने के लिए इतने ज्यादा कम्फर्टेबल नहीं है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वो मेरे ब्लॉग में आप सबको गाना जरूर सुनाए। जी आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल बेटा, क्या हाल है बेटा? बेटा अबे बेटा किसको कहे? अच्छा नहीं सुनोगे? हाँ सुनाओ। अब तो मुझको ऐसे बैठने अबे यार, ये जोक मारने को इसी ने मुझे कहा था। लेकिन जो सच्ची बात है वो यही है कि पाकिस्तान में मेरा मोस्ट फेवरेट सिंगर आतिफ असलम है, और अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई है, वो भी हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। मैं व्लॉग तो नहीं कर पाया बिकॉज मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था उनको मिलने के लिहाज से, लेकिन मैंने पिक्चर शिक्चर जरूर बनाई है ताकि तुम लोगों के सामने प्रूफ पेश कर सकूं। आई मीन ये ना ना समझना कि मैं गप्पे मार रहा हूं। और एक्साइटमेंट में जितनी घटिया फोटो इसने ली है वो भी देखो। अच्छा पता है जब मैंने पहली पिक्चर ली ना, मैंने अपनी तरफ से ना लाइट में खड़े होकर फ्लैश लाइट ऑन की थी, वो पहली पिक्चर भाई सारी की सारी काली आई। फिर आते भाई कहते यहाँ नहीं अच्छी पिक्चर आ रही, थोड़ा बाहर जाकर हम लोग ले ले। मैंने कहा हाँ ठीक है, बाहर जाकर पिक्चर बना। बाहर जाकर उससे घटिया ली। अच्छा फोटो में मैं काला लग रहा हूँ और तू टीरा लग रहा है? नहीं यार मैं तो अच्छा लग रहा हूँ यार। तेरी नहीं अच्छी आई। अच्छा फोटो भेजो, मैंने स्ट्रीक भेजनी है। देखी इसने क्या मेरे गाने को फाड़ के रख दिया है। और से मुझे कहता है क्या हाल है बेटा? भाई मेरी बात सुन, तू बिजनेस क्लास के लाउंज में बैठा है, इतना ज्यादा कंफर्टेबल ना होकर बैठ, समझ आई? ये तेरे नानकों के घर का कोई बगीचा नहीं है, समझ आई? टांगे नीचे कर। अबे मेरी बात सुन, मेरे को दुनिया में जाम ही ले जा भाई, मैं देसी हूँ ऐसी बैठा। अच्छा मुझे ये बताओ इसकी बिजनेस क्लास करवाई है? हाँ मैं कौन होता हूँ इसकी बिजनेस क्लास करवाने वाला? वो यूएई वालों ने करवाई है जी, अरबियों के पैसे लगे हुए हैं। मेरी फर्स्ट क्लास है, आप लोगों की बिजनेस क्लास है? भागो आतंकवादी। मुझे लगता है पायलट के साथ बैठ के आएगा। बिकॉज मुझे नहीं लग रहा इस जहाज में फर्स्ट क्लास होगी। अबे पायलट के साथ बिठा दे और पायलट का पेट खराब हो, मैं तो गया। उसको गैस हो। ले जी जनाब अभी बोर्डिंग का टाइम हो चुका है। बस अपने सामान का इंतजार है अब जल्दी जल्दी से, ताकि सामान आए और फिर जल्दी जल्दी से हम लोग बाहर की तरफ निकलें। जी ये आ गया अपना सामान सारा, और अब इस सामान को पकड़ कर निकलते हैं अपनी टैक्सी की तलाश में। इमरान तू ये पकड़ेगा या ये? चल तू वो ही पकड़ यार, आजा आजा, बड़ा बंदा है ना, जरा बड़ा सामान पकड़ेगा तो अच्छा लगेगा। सिंगल बंदा सब पर सामान उठाए जी। अरे ये है अपने टैक्सी वाले भाई, चलो चलो भाई। तुम दोनों गरीबों का क्यों नहीं नाम लिखा? तुम्हारा और इमरान का? और क्या, बस तुम लोग गरीब हो ना इसलिए। तुम गरीब हो, तुम्हें इसलिए उन्होंने खुश किया, उन्होंने इनका तो लिखा जाता है हमेशा। तो चले जी ये है अपनी गाड़ी, अब इसमें साजो सामान पहले रखते हैं और फिर बाद में खुद बैठते हैं। ये पकड़ो बैग, ये पकड़ो इधर को। ये गई अपनी स्टॉलर अंदर। चलो जी चलो जी, फाइनली आ चुके हैं हम लोग अपने रूम में। वाओ वे 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 वे। चेक करो भाई, रूम चेक करो। वो कौन हमारी पिक्चर्स भी? व्हाट अ सरप्राइज यार, थैंक यू सो मच यार, इन्होंने हमारी पिक्चर सोशल मीडिया से निकाल कर लगाई हुई है। इधर के लिए क्या है, कलर बुक? वाह भाई वाह, क्या बात है यार, ये मॉल देखने वाला है, खोलो जरा। क्या बात है भाई, आज तक इस तरह का रूम मैंने नहीं देखा भाई, और ना ही रहा हूँ इस तरह के रूम में। भाई हमारा तो टेरेस ही बहुत बड़ा है ना। अल्लाह अकबर, सामने बीच आ जी। मारेंगे। रूम देखकर तो भाई दिल खुश हो गया, सारी थकावट उतर गया, सारी रात सोए नहीं है लेकिन फिर भी थकावट खत्म। रूम में आ, रूम में आ।
रूम में आऊं इधर। हाय हाय होए होए हाय हाय। अरे क्या बात है भाई, हसीन तरीन। वेलकम टू पैराडाइज मिस्टर जुल्कन एंड लो नाम आ गया तुम्हारा ये दिल के लिए हमारे साथ सोएगी। यार ये हमारे रूम से बड़ा पोर्शन। हाँ बहुत बड़ा है यार रूम, बहुत जबरदस्त है ना। इधर ले आते ही अपना जी सारा साजो सामान बिखेर दिया है, और पेंटिंग शेंटिंग तो इसको करनी नहीं आती, लेकिन बस पेंसिलों के साथ खेलती जा रही है। चलो आओ चाचू का रूम देख कर आए, आजो। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई क्या सीन है रूम का। ओ क्या बात है विराट साहब, आपका रूम भी जबरदस्त है। लेकिन विराट भाई तू जब हमारे वाला देखेगा ना तेरी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अबे देख तो भाई, भाई मैं दिखाता हूं। आजा नहीं देख लिया तू इधर आ हमारे रूम में। आजा चेक कर भाई, वो चेक कर। बालकनी भी है, ये क्या कर दिया है। और बालकनी बहुत बड़ी है हमारी यार, ये स्वीट है ना। तुम मैं अकेला हूँ ब्रो, लेकिन मेरा भी बहुत जबरदस्त रूम है यार। तेरा जबरदस्त है लेकिन हमारे वाला स्वैग नहीं है, समझ आई। अभी हल्का फुल्का तो मैं फ्रेश हूँ, शूज वगैरह उतारे हैं, पाँव शाँव धोए हैं अपने, और अभी चूंकि यहाँ बज रहे हैं सुबह के 9, फिर नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद सोचेंगे जी, क्योंकि सारी रात के जगराते हैं जनाब, थोड़ी सी नींद पूरी करनी भी तो जरूरी है। ये जी मैंने अपनी ब्रेकफास्ट की प्लेट रेडी कर लिए, बस इतना सा ही खाऊंगा क्योंकि इसके फौरन बाद मैंने सो जाना है, और अगर इससे ज्यादा हैवी मैंने खा पी लिया ना तो फिर सोना हराम हो जाएगा। 4 hours later तकरीबन 4-5 घंटे नींद पूरी करने के बाद अपनी गुड मॉर्निंग फाइनली हो चुकी है। ए आजा यार आजा, जल्दी आजा। ऑर्डर कर दिया चुप करके, आप बाहरों खाया करेंगे। क्यों? दो सैंडविच, एक बर्गर और ये पानी की बोतल। 30,000 तो ब्रो मेरी बात सुन, 7-star रिसोर्ट है, क्या हो गया तुझे यार? फिर भी 30,000 मेरी लंच करने के लिए आए हैं हम लोग, हल्का फुल्का सा वो भी। ए, मैडम 30,000 रुपया, कोई हैरानगी नहीं, इसके कार्ड से नहीं ना गई, तभी बैठी है सुकून से। मेरे कार्ड से गई है तभी मैं सुकून से नहीं बैठ रहा। 350-400 सही बात है। हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर तक ना हम लोगों ने एक कॉमेडी शो देखने के लिए जाना है, तो ये करेंगे कि वो कॉमेडी शो देखने के बाद ना हम लोग डिनर करके इधर आ जाएंगे, सही है ना? फिर आके थोड़ा सा चिल चिल करेंगे, ठीक है, रेस्ट करेंगे, घूमे फिरेंगे, फिर सोएंगे। यार अभी भी रेस्ट ही करके आए हैं पागल, ये कौन सी चिल वाली रेस्ट है? मैं ना सोना पाकिस्तान जब कहीं भाई रहता हूं, आज आंखों में नींद नहीं है, देख नींद नहीं है भाई। अच्छा दिल कर रहा है घूमे फिरे बस, है ना? ऐसा दिल कर रहा है कि इधर जाएं उधर जाएं। ये गुजरात शहर से पड़ा तो रोड है भाई, मैं कसम वाली बात है भाई। इसका नाम है लाइब्रेरी। किसका नाम? इसका। हम लोग बैठे हुए तो आहिस्ता बोलो। अच्छा ठीक है जी, वाकई भाई लाइब्रेरी है यार, ये किताबें पढ़ी हुई है, यहाँ पर आहिस्ता से ही बोलना पड़ेगा हमें। ले जी आ गया अपना 30,000 रुपए का खाना, अभी बर्गर मैं खाऊंगा और सैंडविच तुम लोग खाओ। मजा आया जनाब, इतनी ज्यादा मनहोशी ना मुझे आज तक नहीं हुई जितनी आज हो गई है। यहाँ पर हमारा कॉमेडी शो देखने का प्लान था ना, वहाँ आने के बाद पता चला है कि हमारी बुकिंग तो जनाब कल की है, अब क्या करें? जो भी करना है आहिस्ता बोलो, मेरी बेटी सो रही है। ये दिल सो गई है, चलो फिर अब किसी और जगह चलें, डाउनटाउन में चलते हैं। चलो ठीक है, लोकेशन लगाओ फिर चले चलते हैं डाउनटाउन। अब यार बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग है भाई ये, जिसका नाम है पिक्सल। डाउनटाउन आने के बाद ना मैंने यहाँ बाहर खड़े खड़े ही ये बिल्डिंग देखी है, जो कि मुझे ना अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि अंदर इतनी जबरदस्त किस्म की लाइटिंग शाइटिंग सेट की हुई है कि भाई मैं इसके अंदर आए बिना नहीं रह पा रहा। और अंदर अगर पता चला है कि ये है गेमिंग जोन टाइप, है ना, गेमे खेले हैं भाई यहाँ पर, जबरदस्त है ना। आज यार टिकट शिकट का पता करते हैं और गेमे शेमे ही खेल लेते हैं, और गेम इतनी ज्यादा एडवांस है ना यहाँ पर कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि भाई कौन सी खेले और कौन सी छोड़े। अभी फिर पहले जाके ना कोई कार्ड शार्ड या फिर यहाँ का जो टिकट शिकट या पास वगैरह होता है ना वो लेते हैं, बाद में फिर समझ आएगी कि कौन सी चीज कैसे खेली जाती है। अभी यहाँ से मैंने जी ये कार्ड ले लिया जिसकी के प्राइस है 320 दिरहम, जिससे कि हम लोग इस
टोटली बिल्डिंग में जो जो भी गेम है वो खेल सकते हैं जब तक इसके अंदर पैसे खत्म ना हो जाएं। और मुझे लग रहा है कि हमारे पैसे ना 5-6 गेम्स खेलने के बाद ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा वो दिखाएगा उसके ऊपर के पैसे खत्म हो रहे हैं कि वो? हाँ दिखाएगा ना, रिमेनिंग बैलेंस दिखाता है वो। दिखाता है जी। आ जाओ ना, टैप करते हैं फिर खेलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी सबसे पहले मैं चलाने वाला हूँ ये वाली VR बाइक। बहुत मजेदार है वो गेम। अच्छा? तुम भी खेलो। नहीं मैं कोई और खेलूंगी। कोई और? मैं फॉर्मूला खेलूंगी। फॉर्मूला? चलो ठीक है, मर्जी है। ब्रार क्या खेल रहा है? पता नहीं कुश्ती कर रहा है। ये भी VR ही है? हाँ। अरे यार दिखने में बहुत मजेदार लग रही है। ओए 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 ओए। और जियो ब्रार, जियो। ओए कैसा है? ओ ब्रो भैया ऐसे लगेगा तो रियल वर्ल्ड से बड़े हैं। कसम वाली गल है यार। चल ट्राई कर। मैं ट्राई करता हूँ अभी ये। बल्कि तुम भी आ जाओ, यही करते हैं। तो पहले तुम चले जाओ, मैं एजल के पास रुकता हूँ, फिर बाद में मैं चले जाऊंगा। दोनों कर लेते हैं इकट्ठे। नहीं ना, एजल रोएगी यार। चलो जी चले जाओ आप भी सपनों की दुनिया में। ताजी इतने पैसे ने लिया लेकिन ये वर्थ इट है, पता है आपको? So, मेरा भी वो बाइक वाला बहुत जबरदस्त था। ये तो लेना तो ये भी पता चल। इसका मुंह चेक करो। कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे तो खौफ आ रहा है। हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। सबर रखो सबर रखो, ये चलाने लगे हैं भाई। मजा आ रहा है। चलो फिर जल्दी जल्दी तुम करो, फिर बाद में मैं बैठूंगा। केजल आपको लाइटें देखने के मजा आ रहा है ना बस। उसको कोई फिक्र नहीं है एजल की। वो देखो मुशकते जुलकर गोली मारो। बटन दबाओ बटन दबाओ, दोनों तरफ है बटन। मजा आ गया यार। अभी अगर हम लोग गेम खेलने के लिए बैठ ही गए तो जो इंस्ट्रक्टर है ना उससे जनाब गेम ही नहीं चल रही। पहले ये इब्रार साहब की नहीं चल रही थी तो इब्रार को यहाँ से उठाकर उसने वो तीसरे नंबर वाली गेम पर भेज दी है। और फिर जब ही कमल आई, कमल ने कहा मैंने भी चलानी है गाड़ी, तो कमल आकर बैठी है तो साथ ही जनाब एजल ने शोर शराबा शुरू कर दिया मामा। फिर वो बेचारी उसको गोद में लेकर बैठ चुकी है। तो स्टार्ट ओ क्यों हुई? स्टार्ट हो गया मेरी स्टार्ट हो गया भाई। मैं चलाने लगूं, तुम लोग भी अपनी अपनी कर लो। ओह ओए माय ओए ओए वेट वेट कह रही है वेट अभी चलाना। नहीं चलाता नहीं चलाता। ओके मैंने रोक लिया अपनी गाड़ी, ब्रेकें लगा लिया मैंने। ओके ओके ओए 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 तुम्हारी गाड़ी भी इधर चला रही है। ओ यार गेम वैसे ये मजेदार है। फिर से यार इंस्ट्रक्टर ने हमारी गेम रोक दी है। ये क्या चाहती है? इसे लगता है ऑपरेट नहीं हो रही गेम सही तरह से। और कमल तन्नू नहीं गड्डी इन्हें चला देनी। जो तुम्हारी गोद में बैठ चुकी है ना ये नहीं चलाने देगी भाई गाड़ी। मुझे हाथ नहीं लगाने देगी। देखो कहती तुम ना स्टीयरिंग को हाथ लगाओ। लो जी अभी चलने लगी है गेम अपनी। आए 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 ओए ये दो आगे वाली तुम लोगों की है, मेरी तीसरे नंबर वाली है। गियर यहाँ से मैंने लगाना है, नीचे रेस है और ये ब्रेक है। और ओके 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 भाई मैं बड़ी स्पीडो स्पीडी जा रहा हूँ। 325 की हो गई अब स्पीड मेरी। इधर दियो इधर दियो इधर दियो। पता नहीं कौन है सबसे आगे, मुझे नहीं समझ आ रही कौन है। कोई पता नहीं, बाद में रिजल्ट के पता चलेगा। ओए 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 किधर जा रहा है यार, घास में तेरा क्या पड़ा हुआ है? I'm number one, number two, इब्रार इब्रार you are the last. मैं हूँ number one, yeah. बड़ी बात है कवल, तुम एजल के साथ नंबर टू पे आ गई हो यार। I think she wants it. Yeah. With the baby, my second. बिल्कुल बिल्कुल। Baby ही कर रहा था। असल में एजल ही गाड़ी चलाई है तभी सेकंड पे आए हो। सही कह रहे हो, पकड़ो इसको। ब्रार पकड़ी यार एजल को। किधर गिरा तुम्हारा फोन? नीचे गिर गया था गाड़ी चलाते चलाते। ओए वो है यार तारों के दरमियान में, ध्यान से पकड़ना पड़ेगा, अभी करंट करूंटना पड़ जाए मुझे। ये मिल गया फोन तुम्हारा, ये लो पकड़ो। आ जाए और तू ड्राइवर ही थका है। अच्छा ये है ये।
अब इसका क्या करेंगे टिकट? इससे वो मिलते हैं, टॉय मिलता है। वो किस्मत अच्छी है ना बीवी की, लेके दिखाओ 100 टिकट। गेमें खेल खेल कर हम लोग अब थक चुके हैं, और VR की जितनी भी गेम्स मैंने खेली है ना उनके बाद ना मेरा पता नहीं क्यों सर दर्द शुरू हो गया है यार। शायद मेरी नजर चदर कमजोर हो चुकी है उसकी वजह से। तुम का हुआ नहीं तुम्हारा? मेरा ही क्यों हो रहा है? फिर नजर की मसला है ना, क्योंकि ज्यादा खेला आपने। नहीं, ये मसला नहीं है यार कमल। और वैसे भी अभी हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो कार्ड में क्रेडिट था वो खत्म हो चुके हैं, और जो टिकट कमल ने जीती थी ना 100 और मैंने जीती थी 15, उनके रिटर्न में अब हमें जो गिफ्ट मिलेगा वो हासिल करेंगे और निकलेंगे बाहर की तरफ। 114 टिकट्स को देकर सिर्फ और सिर्फ हमें ये 3 चीजें मिली। चलो खैर, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ये लो इधर, ये लो ये लो ये लो। आए आए आए, मेरी आँख खा गई। आए आँख खाने लगी थी। अभी किधर जाने लगे हम लोग? खाना खाने के लिए। ये अभी जी हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट में आ चुके थे, लेकिन अंदर बैठने के बाद और मेन्यू शेन्यू देखने के बाद पता चला कि ये तो नॉन वेज है, और हम पाकिस्तानी गोश्त के बगैर तो जी नहीं सकते। इब्रार साहब अब हमें ले आए हैं जी गोश्त वाले रेस्टोरेंट में फाइनली, यहाँ पर इसने सबसे पहले आते ही ना ये पानी पूरी खाई है, जिसमें ना पूरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्याज ही भरे हुए हैं, और ये प्याज ही खाता जा रहा है गद्दा। पानी पूरी के साथ वाटरमेलन जूस है? वाटरमेलन है? नहीं, ये खट्टा नहीं है। मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा, मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा, अच्छा है तो तुम ना पी लेती। मैंने पिया है, सोनी ने पिया। ठीक है, लेकिन मैं नहीं पीऊंगा। प्राज जब भी मुझे कहता है ना किसी चीज का कि जुल्कनन ये चीज बड़ी अच्छी है, मैं कभी भी इसका यकीन नहीं करता, क्योंकि ना मुझे ये टेस्ट लेस लगता है। अभी थोड़ी देर पहले एजल रो रही थी ना जो पहले वाले रेस्टोरेंट में, तो कवल ने ना इसको थोड़ी सी ऐसे करके चपेट लगा दी, तो इसने और रोना शुरू कर दिया। अब अगर कवल इससे पूछ रही है ना कि चपेट ज्यादा जोर से पड़ी थी, तो कहती है यस यस। लो जी अपना डिनर भी आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने करवाया था बटर चिकन और साथ में दाल तड़का। खाना मजेदार है भाई। खाना वगैरह खाने के बाद एजल के लिए हम लोगों ने लेने थे कुछ स्नैक्स, तो आ चुके हैं फिर हम लोग छोटे से ग्रोसरी स्टोर में। ये लो जी स्नैक्स वगैरह भी हम लोगों ने ले लिए हैं, अब चलते हैं वापस होटल। ओए ओए चुंडी काट रही है, ये छुड़वाओ मेरा गला। आई, आई, कट कर दिया। चलो 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 चलो, ये क्या कर रही हो चड़ेल के साथ? चड़ेल ने चेक करो ना मेरे गले पर निशान डाल दिए यार। अच्छा किया ना तुमने, फ्री किया इसके। मैंने कब इसको फ्री किया इतना कि ये निशान ही डालने लग जाए मुझे। आ चुका हूँ जी वापस अपने रूम में, और अब आप लोग अपने भाई को दो आज के व्लॉग से इजाजत, क्योंकि कल से बड़ी हैवी किस्म की एंटरटेनिंग एक्टिविटीज हमारी शुरू होने वाली है, और आगे आने वाले 5-6 व्लॉग्स आपको बहुत ही मजेदार और इंजॉयबल मिलेंगे। तो भाई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन, ताकि हर आने वाला नया व्लॉग आप लोगों को घंटी बजाकर नोटिफिकेशन देता रहे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।